संदेश में कमांडर नहीं माने गए और राजनीतिक कमांडर नहीं माने गए और इस सेनापति बन के सैनिकपति अपने वोट को इकट्ठा नहीं करेंगे और कोर्ट को अपने आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए जो इनका देने के लिए कहे और देने के लिए वादा नहीं करे करके दिखाने की क्षमता रखे उसके साथ कोर्ट व्यापार उद्योग और राजनीति इसके पास नहीं है इस समुदाय का निर्बल है। और आज के दिन में जिसे न मिले वो वंचित है और जिसे मिले वो सबल है। आरक्षण के माध्यम से गरीबी बीमारी आरक्षण उसकी दवाई है और आरक्षण से इनका गरीबी दूर होगा। अभी 10% आरक्षण अपन राष्ट्र को मिलेगा उसे सभी लोगों ने बताया था स्वीकार किया। आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर आप कितने गलत है। आरक्षण के अंदर मैंने कहा उन्हें जो गरीबी रेखा से नीचे हो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए चाहे वो जाति में हो चाहे मेरी जाति में हो चाहे दलित में हो। जिन्हें एक बार आरक्षण मिल गया जिनके बड़े लोग हो गए जो बड़े पदों पर आने उन्हें आरक्षण बंद कर दिया। और ये 16 अगस्त 2016 में निषाद पार्टी की स्थापना निषादवाद के किले पर संगठन किया गया इलाहाबाद में कि आपके अंदर इस समुदाय के बाद जब राम अयोध्या गए वन गमन के लिए आए तो सबसे पहले निषाद राज में तो राम राज निषाद राज इकट्ठे होने का एक ऐतिहासिक प्रथम बहुत मिला जिनका वोट बैंक अधिक है। आज के दिन में 4.5 करोड़ के आसपास हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में आबादी है 2,66,00,000 के आसपास उनके वोट हैं। अगर एक विधानसभा में आम एवरेज देखा जाए तो लगभग 60,000 के आसपास है। आपका संगठन क्या प्रदेश में ही काम कर रहा है और दूसरे और भी अभी उत्तराखंड में है महाराष्ट्र में है गुजरात में है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में है झारखंड में है बिहार में है। अभी देखो 24 तारीख को मेरा महाराष्ट्र में अकोला में झारखंड में लगा हुआ है उत्तराखंड में लगा हुआ है तो यहाँ तो प्रतिनिधि है ही अभी और भी है क्योंकि हम पूरे देश में अलग अलग नामों से जाने जाते केवल मल्लाभिंद कश्यप कुमार बिंदा कटवा झारखंड हम कई जातियों में जातियों बटे होने के नाते ये अपने मूल पहचान सब राज्यों में भारतीय और यहाँ की जो वर्तमान प्रशासन है या सत्ताधारी पार्टी है वो बाय बाय मच गई है क्योंकि हकीकत है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं है। क्या मुआयना करेंगे? हमारी तो टीम है अभी इसीलिए आया है सुबह समय बुलाया था और उस स्थिति पर नजर रखते हुए है कि क्या उसका सच्चाई है तो अभी बुलाया गया और अभी हमको आपसे निवेदन करने का मौका मुआयना कर लिए साई खनों के पास जो बस्ती बसी हुई है सबसे ज़्यादा जो आवास बने हुए जो मायावती जी के टाइम पर आवास बने हुए बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। जनता को अभी भी जमीनी हकीकत से दूर दूर नहीं कराया जा रहा है। यहाँ की हम आपसे निवेदन करते हैं मौका मुआयना करके उसको जरूर दें और उसके बोले जो जनप्रतिनिधि जनता का नहीं होता तो जनता उन्हें समय आने पर अपने आप का जो जनप्रतिनिधि जैसा करता हो वैसा वो बंद होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भोगना पड़ेगा।